मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले निर्यातक के घर डकैती का प्रयास करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने डकैती करने आए 5 पुरुष और 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर डकैती के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए बदमाश रामपुर जनपद के रहने वाले हैं और कई मामलों में वंचित थे। पुलिस के मुताबिक निर्यातक के घर काम करने वाली महिला नौकरानी ने अपनी 2 बहनों संग मिलकर डकैती की योजना बनाई थी और रामपुर के बदमाशों की मदद लेकर योजना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक योजना बनाने वाले महिलाएं हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करती थी और इनके खिलाफ उत्तराखंड में मुकदमे भी दर्ज हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले निर्यातक दीपांशु गुप्ता के घर 9 जनवरी को हथियारबंद बदमाशों ने डकैती का प्रयास किया था, लेकिन घर की महिलाओं ने शोर मचाकर बदमाशों को भागने पर मजबूर कर दिया। सीसीटीवी में कैद बदमाशों की तस्वीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी तो सबसे पहले घर की नौकरानी को लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक निर्यातक के घर में पिछले 3 सालों से काम करने वाली नौकरानी ने अपनी बहन को घर में आभूषण और नकदी होने की सूचना दी। दोनों बहनों ने अपनी तीसरी बहन को योजना में शामिल किया और रामपुर के रहने वाले बदमाश बब्बू को डकैती के लिए तैयार किया, जिसके बाद सभी ने मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाली 3 बहनों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 3 बहनों का यह गिरोह लोगों को हनी ट्रैप में भी फंसाता था और एक बहन खुद को मीडिया से जुड़ा बताकर पैसे वसूलती थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से 2 कारें, 2 तमंचे, मोबाइल और नकदी बरामद की है। लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने वाली बहनें सलाखों के पीछे पहुंच गई है। 3 बहनों के गिरफ्तार होने के बाद इनके बनाए अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। गिरफ्तार एक महिला से मीडिया संस्थान के नाम पर बने विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। ये TDI सिटी में 9 जनवरी को एक डकैती का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें CCTV फुटेज में 5 लोग दिखे थे, जिसके आधार पे 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो उसी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और कल मुरादाबाद पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। एक रामपुर के गिरोह का पूरा इसमें खुलासा हुआ है। इसमें जो मेन कल्प्रिट थी, जो उनके घर की नौकरानी थी, वो लगभग 5 साल से उन्हीं के घर में काम कर रही तीन साल से लगभग उन्हीं के घर में काम कर रही थी और उसे थोड़ा असंतोष था उसकी जो सैलरी से लेके थे काम को लेकर था। तो जब उसे पता लगा कि घर में अच्छा खासा पैसा और उस बहन ने अपनी तीसरी बहन को संपर्क किया, फिर उसने एक रामपुर का जो गिरोह है जिसमें मुख्य अभियुक्त बब्बू है, जो इससे इसकी मुलाकात उसकी कचहरी में हुई थी, वहाँ पर इन्होंने पूरे गिरोह को बुलाया और ये डकैती का अटैम्प्ट हुआ। क्योंकि घर वालों ने शोर मचा दिया था, इसकी वजह से वो लोग वहाँ से भाग गए थे। बट इन्वेस्टिगेशन पूरी अच्छी तरह से की गई, इनका गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। इसमें 5 लोगों की पुरुषों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें ये जितेंद्र, गोपाल, धर्मवीर, अर्जुन, रघुनंदन, सभी ये डिस्ट्रिक्ट रामपुर के हैं। इसके साथ ही ये जो 3 महिलाएँ पकड़ी गई हैं, इनका भी मेन रोल प्लानिंग और पूरा कनेवेंस में रहा है। इस घटना के अनावरण में एक बात और निकल के आई कि इन्होंने इस घटना के बाद एक और उत्तराखंड से एक व्यक्ति को यौन संबंध का झांसा देकर अपने साथ पैसे अपने पास बुला लिया था और उससे फिर फिरौती की लगभग 10 लाख की मांग की जा रही थी। जब इस घटना के अनावरण में जब पुलिस टीम पहुंची तो उनके पास से ये व्यक्ति और ये बात का भी खुलासा हुआ। इस व्यक्ति को उत्तराखंड पुलिस को सौंप दिया गया है, वहाँ पर भी एक मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ है हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में। इनके पास से एक SUV 500 होंडा सिटी, इसके अलावा एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस और आदि और कुछ कैश इनके पास से बरामद किया गया। सब जो पकड़े गए आरोपी हैं, इनका एजुकेशन प्रोफाइल क्या है? इसमें से एक जो महिला है वो अपने LLB कर रही है, साथ में पत्रकारिता के प्रोफेशन में भी थी। एक जो है वो का 2 लड़कियां जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, एक तो घर में नौकरानी का काम करती है और एक
वहीं पे रहती है, कभी साइड बिजनेस इन्हीं दोनों बहनों के साथ करती रहती है। बाकी जो अन्य व्यक्ति जो सब पकड़े गए हैं उनका एजुकेशन ज़्यादा हायर नहीं है, लगभग अनएजुकेटेड प्लस प्राइमरी एजुकेशन लेवल का उनका एजुकेशन लेवल है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।